हेलो दोस्तों, वेलकम टू यू एंड मी। मेरा नाम है विनीत और मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल यू एंड मी में। दोस्तों, आज की इस महंगाई के ज़माने में हर एक इंसान कुछ ना कुछ अलग से कमाना चाहता है। अलग से कैसे कमाए? कोई मार्केटिंग करता है, कोई सेल्स करता है, कोई पार्ट टाइम जॉब करता है। और आप देखेंगे कि पार्ट टाइम जॉब की डिमांड इस वक्त बड़ी है। जो रिक्रूटमेंट फील्ड में काम करते हैं, जो लोगों को हायर करते हैं, वो पार्ट टाइम जॉब के लिए बहुत पे करते हैं और बहुत उनकी डिमांड आई है उनके लिए। तो क्या काम करें जिससे पार्ट टाइम में आप ऐसा क्या काम करें जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकते हैं? तो मेरी नज़र में एक आइडिया है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मेरा आइडिया है कि स्टॉक मार्केट को आप ट्राई करके देखें एक बार। स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं जहाँ पे आप जाकर काम कर सकते हैं। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ फ्यूचर ऑप्शंस के बारे में। फ्यूचर के अंदर इंडेक्स और हम निफ्टी है और हमारी बहुत सारी कंपनियाँ होती हैं जो फ्यूचर के अंदर काम करती हैं, जिनका फ्यूचर होता है, फ्यूचर के अंदर लिस्टेड होती है, फ्यूचर इंडेक्स के अंदर वो लिस्टेड होती हैं। उनके साथ ऑप्शंस होती हैं, ऑप्शंस पे काम करना होता है, जहाँ पे आप छोटी छोटी कॉलें होती हैं, पुट होती हैं। कुछ कॉलों, मान लीजिए आप, एक एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे 100 रुपये का कोई शेयर है, 100 रुपये के शेयर से ऊपर 105 रुपये है, 110 रुपये है, 115 रुपये, 120 रुपये, ये आउट ऑफ द मनी की कॉल होती हैं। 100 रुपये का की जो कॉल होगी वो इन द मनी वाली कॉल हो जाएगी, सॉरी एट द पार वाली कॉल हो जाएगी, और 90 और 95 ये सब इन द मनी वाली कॉल होंगी। इसलिए इन द मनी कॉल को छोड़कर आउट ऑफ द मनी वाली कॉल में आप काम कीजिए, जिनका प्रीमियम आपको मिलेगा 2 रुपये, 2.5 रुपये, 5 रुपये। ऐसे छोटे छोटे प्रीमियम होंगे जहाँ पे आप कुछ पैसे खर्च करके, कम पैसे खर्च करके ज़्यादा कमाई कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि शेयर 100 रुपये से 102 रुपये, 103 रुपये जाना चाहते, मतलब कोशिश हो रही है, आपने रिव्यू किया, उसको एनालाइज किया कि 100 से 105 की तरफ जा रहा है, तो आप कॉल लीजिए, 105 वाली कॉल लीजिए, 110 वाली कॉल लीजिए, जो भी आपका प्रीमियम बनता है, 2 रुपये का है, 1 रुपये का, 50 पैसे का, उसमें आपको रिस्क सबसे ज़्यादा कम रहेगा। और अगर मान लीजिए आपको लगता है कि 100 से रेट नीचे आएगा, जैसे 98 आएगा या 97 आएगा, तो आप नीचे पुट ऑप्शंस होती हैं, पुट को लीजिए, जो भी आपका प्रीमियम हो, 1 रुपये, 50 पैसे, 70 पैसे, 80 पैसे, उन पुटों को लीजिए। अगर आप कॉल आपकी नज़र में बढ़ना चाहता है, शेयर आपकी नज़र में बढ़ना चाहता है, तो कॉल लीजिए, आउट ऑफ द मनी कॉल को लीजिए। और अगर शेयर आपके लगता है कि नीचे टूटेगा, तो आप पुट ऑप्शंस को लीजिए। वहाँ पे आपको, मैं सिर्फ ऑप्शन इसलिए कह रहा हूँ कि ऑप्शंस में आप कम पैसा लगाकर ज़्यादा पैसा कमा कर सकते हैं। वहाँ पे ऑप्शंस के अंदर रिस्क फैक्टर सबसे कम होता है, सबसे ज़्यादा कम रिस्क, करेंसी से भी कम रिस्क होता है, कमोडिटी से भी कम रिस्क होता है, और कैश मार्केट से भी कम रिस्क होता है ऑप्शंस में। किसी भी शेयर की ऑप्शंस लीजिए, उनके अंदर आपको रिस्क फैक्टर सबसे कम मिलेगा। कम पैसा लगाकर आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बना सकते हैं। अगर आप दूसरा ये कर सकते हैं कि आपको रिस्क फैक्टर को और भी कम करना पसंद करते हैं, तो ऐसा कर लीजिए कि आप मान लीजिए शेयर का रेट है 100 रुपये और आपने 105 रुपये वाली कॉल ली, तो और भी होगा कि आप 110 वाली कॉल को बेच सकते हैं। इससे आपका क्या होगा कि आपका नुकसान जो भी होना वो लिमिटेड दायरा हो जाएगा और प्रॉफिट का दायरा आपका खुला रहेगा। तो इस छोटे छोटे आइडिया होते हैं जहाँ पर आप ऑप्शंस के अंदर कम पैसे खर्च कर अधिक से अधिक कमा सकते हैं। तो कम रिस्क के साथ अधिक कमाने के लिए आप ऑप्शंस में, फ्यूचर ऑप्शंस में काम करके देखिए, उसको फॉलो कीजिए, उसको एनालाइज कीजिए कि कैसे शेयर चलता है, शेयर चलने के बाद एक कॉल के अंदर क्या होता है, उससे ऊपर वाली कॉल के अंदर क्या होता है, आउट ऑफ द मनी जो कॉल है उनके अंदर क्या होगा, इन द मनी वाली कॉल है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि इन द मनी वाली कॉल में काम इसीलिए नहीं करना चाहिए कि वो फ्यूचर हो जाती है और फ्यूचर के हिसाब से उसकी वॉलेटिलिटी ज़्यादा हो जाती है, जबकि आउट ऑफ द मनी कॉल होगी, जो आउट ऑफ द पुट होंगी, वो कम वॉलेटिलिटी होगी उसके अंदर, और उसके अंदर आप आराम से बैठ कर काम कर सकते हैं, उनके अंदर रिस्क फैक्टर कम हो जाता है। इसलिए कम रिस्क के साथ ज़्यादा कमाया, इससे बेहतर कोई आइडिया हो ही नहीं सकता। तो ये एक छोटा सा आइडिया मैंने आज आपके साथ शेयर किया है, पुट ऑप्शंस का, कॉल ऑप्शंस का, फ्यूचर ऑप्शंस का। तो आप यहाँ पे आइए और इनको एनालाइज कीजिए, पर पर्टिकुलर एक ही शेयर को ट्राई कीजिए, एक शेयर लीजिए, किसी भी सेक्टर का लीजिए, कोई बैंक लीजिए, आप कॉल सेक्टर लीजिए, पेट्रोलियम लीजिए, या कोई FMCG सेक्टर लीजिए, कोई भी सेक्टर लीजिए, उसकी एक पर्टिकुलर कंपनी लीजिए, उसी को फॉलो कीजिए, उसी की कॉल ऑप्शंस को और पुट ऑप्शंस को फॉलो कीजिए। तो इस तरीके से आप अच्छे पैसे बना सकते हैं, कम रिस्क लेके, कम से कम पैसा खर्च करके आप ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकते हैं। तो ये छोटा सा आइडिया मैंने आज आपके साथ शेयर किया है। हमारे इस आइडिया को आप लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि सबका अलग अलग एक व्यू होता है पैसा कमाने का। आप स्टॉक मार्केट में बहुत पैसा बना सकते हैं। तो
अपने दो फ्रेंड सर्कल के साथ इसको शेयर कीजिए और हमारे इस वीडियो पर कमेंट कीजिए। और अगर आप हमारे ऐसे आइडियो से नए नए आइडिया से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे आप चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।